कहते हैं कि तशद्दुद कर दो, इसके ऊपर हमला कर दो, जान से मार दो। अगर मुल्क से मोहब्बत करना बगावत है तो हम सब बागी हैं। अगर मुल्क के लिए कड़ा होना बगावत है तो हम सब बागी हैं। अमेरिका की गुलामी से इनकार करना बगावत है तो हम सब बाकी है। अपने मुल्क, अपने लोगों, अपने दीन की बात करना अगर बगावत है तो हम सब बाकी है। तुमने गद्दारी की है, तुमने मुल्क को भेजा, तुमने मुल्क का सौदा किया और तुम आके रोजाना फैसले करते हो, इसको अंदर डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसके ऊपर तशद्दुद कर दो, उसको मार दो। अल्लाह की जमीन पे खुदा बनने की कोशिश मत करो, लोग तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और हम इनको कहते हैं क्योंकि आपके जिस्म पे वो वर्दी है जिसका हम बड़ा एहतराम करते हैं। मैं ये भी मानता है कि तुम्हारे को डरते भी हैं तो क्योंकि तुम कुटते बड़ा हो, मैं मुनाफकत नहीं करांगा, लेकिन असल गल ये कि तुम्हारे जिस्म पे वो वर्दी है जिसका एहतराम करते हैं। सो ये लम्हा गुजर लेने दें, ये लम्हा आप जी लें। हम इस लम्हे में अपनी ख्वाहिशें दबा लेते हैं लेकिन लम्हे आने हैं उसमें हम भी बात करेंगे। अपनी फौज के बारे में बात नहीं करेंगे कभी भी, ना पहले की थी, अक्यूज किया गया बार बार, ना अपनी फौज पे पहले बात की थी, ना आज बात की है, ना मेरे अरशद ने बात की थी, ना हमने की थी। हमारे दुश्मन उसका एक जनरल, जनरल पांडे, वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल एहसास 26-29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे एहसास कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल बाजवा, ये भी बता दो कि मेरी कौमी सलामती में कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें चंद ऐसे बगैरत हैं कि जो अपने कौम की माओं बेटियों का, उनके शर्म और उनकी इज्जत का लिहाज नहीं करते और उनकी वीडियो बनाते हैं। कौन है वो लोग जो सियासतदानों की, जजों की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, सनतकारों की, ताजरों की फाइलें बनाते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं? आओ देखो, तो मेरे कप्तान को डरा रहे थे, खौफ दिला रहे थे, वो तो एक बहादुर मां का सबूत है। आओ इस 74 साल के सीनियर सिटीजन से इसका सर झुका के दिखाओ। तुम्हारे मुकाबले में इंशाल्लाह ताला पत्थर की तरह खड़ा होगा।